जो काबिल होगा सामने आ जाएगा। सिफ्रा, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे क्रैक मूवी के बारे में। आइए बताते हैं कि ये दोनों मूवी अब तक कितना कलेक्शन कर चुकी है और कौन सी मूवी आगे चल रही है। तो पहले बात कर लेते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि शाहिद कपूर और कृतिक सैनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया को आज बॉक्स ऑफिस पर 17 दिन पूरे हो रहे हैं और ये फिल्म अपने 17वें दिन में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है। तो आज हम बात करेंगे फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के अब तक टोटल कलेक्शन बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो शाहिद कपूर और कृति सेनन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जिस फिल्म का बजट है 75 करोड़ रुपए और इस फिल्म सिनेमा घरों में इस वक्त चल रहा है तीसरा हफ्ता। बता दें आपको कि फिल्म अपने तीसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई कर रही है उसे देखकर साफ हो चुका है कि ये फिल्म अभी भी नहीं रुकेगी और शायद एक हफ्ते फिल्म के कलेक्शन इसी तरह से शानदार आते रहेंगे और ये फिल्म इस साल की पहली सुपरहिट बनेगी। हालांकि फाइटर हिट बन चुकी है लेकिन इस फिल्म को सुपरहिट का टैग बहुत ही जल्द मिलने वाला है। बात की जाए यहाँ पर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के अब तक के यानी कि 17 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने शुरुआती 15 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था 72 करोड़ 58 लाख रुपए का। वही फिल्म ने 16वें दिन यानी कि अपने तीसरे शनिवार को 2 करोड़ 82 लाख रुपए की कमाई की। हालांकि आज इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी में कल के मुकाबले एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये फिल्म अपने 17वें दिन यानी कि तीसरे संडे इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 3 करोड़ 10 लाख रुपए। इसी के साथ तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का अब तक का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 78 करोड़ 50 लाख रुपए। तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 93 करोड़ 50 लाख रुपए। बता दें फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 132 करोड़ रुपए हो रहा है। जी हाँ, आज ये फिल्म दुनिया भर में 132 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर देगी। अब देखना ये है कि ये फिल्म 150 करोड़ तक जाती है या फिर उससे भी आगे फिल्म के कलेक्शन होते हैं या नहीं। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म आपने देखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आइए वही बात कर लेते हैं क्रैक मूवी के अब तक टोटल कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर अपने एक्शन पर अपनी एक्टिंग से दुनिया भर को दीवाना बना चुके हैं सुपरस्टार विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक बॉक्स ऑफिस पर आज अपने 3 दिन पूरे कर रही हैं। लेकिन आज अपने तीसरे दिन के साथ ये फिल्म उन सभी हेटर्स की बोलती बंद कर चुकी है जो कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को फ्लॉप बता रहे थे और इस फिल्म को भला बुरा कह रहे थे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म क्रैक के 3 दिनों के इंडिया और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जानने वाले हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई है या सुपर हिट या फ्लॉप हुई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदित्य दत्त के डायरेक्शन में बनने वाली एक क्रैक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें आपको विद्युत जामवाल के अलावा अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन नजर आई हैं। विद्युत जामवाल जिन्होंने ऑडियंस के बीच में अपनी रॉयल फैंस बेस सिर्फ अपनी एक्टिंग अपने एक्शन को लेकर ही बनाए हैं, उनकी ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को तो पसंद आ रही है, साथ ही साथ क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को अच्छे रिव्यू दिए हैं। हालांकि कुछ यूट्यूबर ने इस फिल्म को लेकर निगेटिव की है, लेकिन बावजूद इसके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन से काफ़ी अच्छी एडवांस लेने में कामयाब रही। अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की तो बताते चलें आपको कि विद्युत के धमाकेदार एक्शन और अर्जुन रामपाल के साथ उनके फाइटिंग को देखने के लिए ऑडियंस ने इस फिल्म को अपने पहले ही दिन काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। लगभग 2000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 5 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए। तो वही दुनिया भर में ये फिल्म 8 करोड़ 50 लाख रुपए कमाने में कामयाब रही।
ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले अच्छे रिव्यू के बाद इस फिल्म के अपने दूसरे दिन में भी कलेक्शन में काफ़ी अच्छा होल्ड देखने को मिला और इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर यहाँ 5,50,00,000 रुपए कमाए हैं, तो वही दुनिया भर में 7,50,00,000 रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रही। जी हाँ, आप सभी को बताते चलें कि अपने पहले ही दिन की तरह से ये फिल्म अपने दूसरे दिन की दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने में कामयाब रही। हालांकि इस फिल्म का क्लैक्स आर्टिकल 370 जैसी बड़ी फिल्म से हो रहा है, जिसे कि ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं, लेकिन विद्युत जामवाल जो कि बॉलीवुड के रियल एक्शन सुपरस्टार हैं और खुद अपने दम पर बॉलीवुड की इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं, उनकी ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती दो ही दिनों में 12,00,000 रुपए कमा चुकी थी। लेकिन ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर सेम ही ट्रेंड करती नजर आ रही है और आज के भी इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो लगभग 6,00,000 रुपए के आंकड़े को टच करते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, आप सभी को बताते चलें कि इस फिल्म की जो स्क्रीन है कम है, यही वजह है कि ये फिल्म आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने तीसरे दिन भी 6,00,000 रुपए के आंकड़े को टच करती हुई 117,00,000 रुपए के आंकड़े इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती तीन दिनों में टच कर चुकी होगी। वर्ल्ड वाइल्ड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने आज के कलेक्शन लगभग 7.5 से 8 करोड़ रुपए के आंकड़े को आज भी छू रही है और ऐसे में ये फिल्म शुरुआती तीन दिनों में 24,00,000 रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी होगी। बताते चलें आपको कि लगभग 35,00,000 रुपए के बजट से बनने वाली इस फिल्म का जो हिट वर्डिक्स है वो 40,00,000 रुपए पर ही डिसाइड हो जाएगा। अगर ये फिल्म 40,00,000 रुपए से ज्यादा की कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करती है तो और 55,00,000 रुपए से ज्यादा की कमाई दुनिया भर की बॉक्स ऑफिस पर करती है तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित होगी। वही वर्ल्ड वाइल्ड बॉक्स ऑफिस पर अगर ये फिल्म 80,00,000 रुपए की कमाई कर लेती है तो ये फिल्म एक सुपर हिट फिल्म साबित होगी। फिलहाल इस फिल्म को आर्टिकल 370 से काफ़ी कम कंपटीशन मिल रहा है, लेकिन विद्युत जामवाल ने एक बार फिर से अपने आप को प्रूव कर दिया है कि वो इंडियन सिनेमा के सेल्फ मेड सुपरस्टार हैं, जिन्हें किसी भी बड़े बैनर की और बड़े सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी फिल्मों में अपने एक्शन पर अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को दीवाना बना सकते हैं। आपको इन दोनों ही फिल्मों में से कौन सी फिल्म पसंद आई हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।